अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे रीजंस को, रीजंस ऑफ फेल्यूअर इन वन पेपर। जो कैंडिडेट्स वन पेपर मतलब जो भी आप एमसीक्यूज टेस्ट देते हैं 50 मार्क्स की, 100 मार्क्स की या कितने भी मार्क्स की हो, तो उसमें जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं या जो इनका लो स्कोर आता है उनकी वजूहत क्या है। क्योंकि ये जो है वो अक्सर 90% कैंडिडेट्स होते हैं जो वन पेपर में फेल होते हैं। लाजमी सी बात है कि 100 में से कोई एक कैंडिडेट होता है जो टेस्ट को पास करता है, क्योंकि आपको पता है आजकल कंपटीशन का पीरियड है और हर स्टूडेंट मेहनत करता है, हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब हूँ। और आज के दौर में ऑलमोस्ट टेस्ट में जो है आपका 100 से अगर 50 स्कोर आ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, या 60 आ रहा है वो भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपका 70 से उसको ऊपर जा रहा है तो मतलब आप कुछ कर रहे हैं और आप कुछ हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर इस रीजंस का पता होगा कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, तो फिर आपका जो स्कोर आएगा वो 100% टेस्ट को जो है वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए स्कोर होता है वही आपका आएगा। तो मैं जो है वो आपको अभी बताऊंगा इसके रीजंस। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लेक ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो ये स्टूडेंट जो है वो वन पेपर के एग्ज़ाम्स देते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि बस मुझे तो कस्टम इंस्पेक्टर बनना है या मुझे FIA में जाना है तो मैं LDC या UDC की टेस्ट क्यों दूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं होती है। जब भी आपको कोई 16-17 स्केल में जाना है फिर भी आप कोशिश करें 15-14-11 स्केल वाली कोई जॉब आती है उसमें अप्लाई करें। बेशक आप वो ज्वाइन ना करें लेकिन टेस्ट में ज़रूर अप्लाई करें। जब आप टेस्ट में बैठते हैं फिर आपको पता चलता है मेरे लेवल क्या है, मैं किस पोर्शन में वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में वीक हूँ और उसके साथ टेस्ट कैसे बनती है, क्या कुछ होता है। ठीक है, जब आपका एक्सपीरियंस होता है, जब आप पेपर में अपीयर होते हैं, तभी आपको अपने लेवल का भी पता चलता है, अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है और आप कुछ मिस्टेक्स भी कर जाते हैं। वो जब आपका मतलब कोई लोअर पोस्ट होगी उसमें आपकी मिस्टेक हो गई वो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ज्वाइन ही नहीं करनी थी, लेकिन उसको उससे आपको फ्यूचर के लिए एक लेसन मिल जाएगा, एक सबक मिल जाएगा कि मैंने ये गलती की थी, आइंदा नहीं करनी है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। आप जो MCQs गलत करके आते हैं तो आपको दुख होता है कि मेरा ये क्यों गलत हुआ, ये तो मैं जो आ रहा था। और टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका भी पता चलता है। तो हर टेस्ट में अपीयर हो जाएं, कोशिश करें भले ही आपको 16-17 में जाना है लेकिन 15 स्केल में भी अपीयर हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली 16-17 के लिए ट्राई करते हैं, जब वो कभी टेस्ट पास भी कर लेते हैं 17 या 16 की, तो वो इंटरव्यू में कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आप 14-15 की कोई टेस्ट पास कर देते हैं तो आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देंगे तो आपका जो फियर है, आपका जो खौफ है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में कौन सी जो है वो मलाइक आते हैं इंटरव्यू लेने, तो वो सारा आपका जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर टू रीज़न जो फेल्यूर का है वो ओल्ड डेटा है। आप जो कैंडिडेट्स स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो ओल्ड डेटा आपके पास होती है। जब भी मैं स्टूडेंट से जूम पे क्लास लेता हूँ और स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताएं इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है, तो सब कैंडिडेट्स जकार्ता बताते हैं। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल जो है वो इसमें नेटो में कितने कंट्रीज हैं, वो 29 ही पिछले वाले वो बता रहे होते हैं। या जब भी मैं स्टूडेंट से सवाल करता हूँ पाकिस्तान की एरिया क्या है या अफगानिस्तान जो ड्यूरन लाइन है उसकी कितनी बाउंड्री लाइन है, तो वो ओल्ड डेटा ही बताते हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं बताते। इसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो बुक्स पर रिलाई करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और बुक्स में तकरीबन ओल्ड डेटा होती है। तो आप कोशिश करें न्यूज़पेपर्स को पढ़ें और जो भी टेक्निकल स्टडी करवाते हैं टीचर्स उनको ज्वाइन करें जो आपको ऐसी चीज़ें बताएं कि ओल्ड डेटा को ना पढ़ें या ये चीज़ ना करें। तो उन टीचर्स को आप लाजमी ज्वाइन करें। जब उन टीचर्स को ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, कुछ नाम्स होते हैं, कुछ कैपिटल करेंसीज होते हैं कि जैसे ईरान की जो करेंसी है वो अभी तोमान है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट पुरानी करके आएंगे। तो टेस्ट बनाने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, उनको पता होता है स्टूडेंट को रट्टा लगा हुआ है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके पास न्यू डेटा है नहीं, तो वो क्या करते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं,
उनका ए ऑप्शन वो देंगे जो आपको लगेगा 100% दुरुस्त है, लेकिन जब आप घर आएंगे, जब की आएगी टेस्ट की या रिजल्ट आएगी, आप हैरान हो जाएंगे यार, ये तो टेस्ट वालों की गलती है। टेस्ट वालों की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने अपने माइंड को अपडेटेड नहीं रखा है। तो जो दूसरा बड़ा रीज़न होता है फेल्योर का, वो ये ओल्ड डेटा होती है। थर्ड जो रीज़न है फेल्योर का वन पेपर में, वो है रिवीजन इशू। जब आप स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स का यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, लेकिन उनका ये वो फोकस ही नहीं करते कि मैंने रिवाइज भी किया है या नहीं किया है। जब रिवीजन हम नहीं करते हैं, हमें पता तो होता है क्वेश्चन के जवाब का, लेकिन हम दो ऑप्शंस में डबल माइंडेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, चार ऑप्शंस होते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको इतना पता होता है कि मतलब दो ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ होते हैं, या तो वो समझते हैं कि यहाँ बी होगा या सी, ए और डी तो कन्फर्म नहीं है। जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है उनके साथ ये बड़ा इशू आता है। मेरे साथ भी, जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट दे रहा था तो रिवीजन नहीं करता था, बस आगे जाता था आगे जाता था। मेरा ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन ये कोशिश तो अच्छी है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी जो कोशिश है वो रिवीजन है। हर वीक में एक बार आप रिवीजन के लिए मुकर्रर करें, उस दिन पे आप रिवीजन किया करें। नंबर फोर पे जो इशू आता है, वो आता है नो आइडिया अबाउट पेपर सेटिंग। जो भी आप पेपर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उसका सिलेबस क्या है, उनको ये पता नहीं होता है कि इनकी पेपर सेटिंग क्या होगी। हर पोस्ट के लिए हर टेस्टिंग एजेंसी की अपनी अपनी पेपर सेटिंग है। एनटीएस टेस्ट लेती है तो उनका अपना पेट्रनेशन पब्लिक का अपना है, फेडरल का अपना है, पीपीएससी का अपना है। तो पेपर जो सेटिंग है उसको समझना लाजमी होता है। जब भी आप कोई पेपर देते हैं तो उसके पास पेपर्स उठाएं, उनकी सेटिंग देखें कि किस किस एंगल से, किस किस एरिया से सवाल आए हैं और किस नेचर के सवाल आए हैं, या अपकमिंग जो भी सवाल आ सकते हैं कौन से आ सकते हैं, तो ये भी पेपर सेटिंग में आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि टेस्टिंग सर्विस वाले जो है वो सिलेबस को हट कर जो है दूसरे पोर्शन पर भी चले जाते हैं, तो वो भी आपको नोट करना होगा। क्या ऐसे तो नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये नहीं आएगा या दूसरी चीज़ आएगी, तो ये भी आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। नंबर फाइव रीज़न है फेल्योर का स्टूडेंट्स का वन पेपर में, नो आइडिया अबाउट एग्जैक्ट सोर्सेस। स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट सोर्सेस का पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, अगर आईबीए की तैयारी करते हैं तो वो एक ही बुक पढ़ते हैं, सेम वो सेम बुक सिंध पब्लिक के लिए भी यूज़ करेंगे, फेडरल पब्लिक के लिए भी यूज़ करेंगे, या ओटीएस के लिए भी यूज़ करेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर टेस्टिंग सर्विस का अपना अपना सोर्स होता है, अपना अपना उनका जो है वो तरीका होता है तैयारी करने का। तो हर टेस्टिंग के लिए अपना अपना सोर्स यूज़ करें, देखें कि हर टेस्टिंग किस किस है जो है वो एरिया से, किस किस वेबसाइट से, बुक से सवाल देती है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ओटीएस के लिए एक ही बुक पढ़ेंगे, वो सेम एसपीएससी के लिए पढ़ेंगे, तो आप हरगिज़ पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। लेकिन इसकी जो कंप्लीट डिटेल है, जैसे एग्जैक्ट सोर्सेज से लाजम बात है, इसको मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो जस्ट मुझे रीजंस डिस्कस करने हैं। बाकी एक एक रीज़न को डिटेल में स्टडी करना, ये मेरे नेक्स्ट सेशन के वीडियोस हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन में, इस सेशन का पार्ट हैं, इंशाल्लाह उनके साथ ये बाकायदा डिस्कशन चलती रहेगी। नंबर सिक्स जो रीज़न है वो है लेक ऑफ प्रॉपर एनालिसिस। ये सेम ही बात हो गई पेपर सेटिंग की या प्रॉपर एनालिसिस का है, कि स्टूडेंट्स को पेपर का प्रॉपर एनालिसिस का पता ही नहीं होता है कि पेपर को कैसे हम एनालाइज करें। इसकी वजह क्या होती है, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, ना ही वो ये सोचते हैं कभी कि हमें पास पेपर्स को देखना चाहिए, या वो ये सोचते हैं कि शायद जो पास पेपर्स हैं वो हम अगर एफआईए इंस्पेक्टर के लिए हमने देनी है तो उसका ही देखें। एडीएफआईए के भी देख सकते हैं, दूसरे भी देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नंबर सेवन जो है वो फेल्योर का रीज़न, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं वन पेपर में, वो है मल्टीपल डायरेक्शंस। जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो मल्टीपल डायरेक्शंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अभी कोई अप्रैल में 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी एक एसएसटी की टेस्ट है, दूसरी असिस्टेंट की है, तीसरी कोई एफआईए इंस्पेक्टर की है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट तीनों के लिए जब तैयारी करते हैं ना, तो फिर वो एक में भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक डायरेक्शन में, एक पोस्ट के लिए होना चाहिए। जब ये फोकस होगा तब आपको उस पोस्ट में ही कामयाब मिलेगी। अगर आप सब पोस्ट पर फोकस करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, आप में जो स्टेमिना है, वो डिवाइड हो जाएगी और आप
कामयाब होने में आपको मुश्किलात पेश आएगी और टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप एक ही मकसद के पीछे भागेंगे तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। नंबर 8 जो रीज़न है, लेक ऑफ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं वो बस बुक्स को, वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप उनकी अपने तरफ से मेमोराइजिंग ट्रिक्स बनाते हैं, जैसे मैंने बनाई है, बहुत सारी मेरे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी ट्रिक्स के मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो ये टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं ना, ये मस्ट होती हैं। जब आपके पास कोई टेक्निक होगी, आपके पास कोई ट्रिक होगी, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन आता है सेंट्रल एशिया में कौन सा कंट्री मौजूद नहीं है। जब आपको सेंट्रल एशिया के कंट्रीज का पता नहीं होगा, पता कैसे होगा, मतलब ऐसे तो भूल भी सकते हैं ना, क्योंकि ये तान जान जो कंट्रीज हैं यही सेंट्रल एशिया में इसी टाइप के हैं, लेकिन ये सारे सेंट्रल एशिया में नहीं है। जैसे अफगानिस्तान भी है ना, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है सेंट्रल एशिया में। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, चाय का कट, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्निक्स एंड ट्रिक्स का क्या रोल होता है, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद 9 नंबर जो रीज़न है, नो आइडिया अबाउट अटेम्प्टिंग पेपर। स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से कोई पता ही नहीं होता है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, 2, 3, 4 ऐसे सीक्वेंस में करते हैं। ऐसे हरगिज नहीं करना चाहिए। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप वो क्वेश्चंस करें जो आपको 100% आते हैं, जहाँ आप उस पोर्शन से शुरू करें जिसमें आपकी ग्रिप है, जिसका आप एक्सपर्ट हैं, और जो टाइम टेकिंग ना हो, शॉर्ट टाइम में हो जाए। जैसे जनरल नॉलेज होती है वो टाइम टेकिंग नहीं होती है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करूँ या IQ की, तो वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। जब आप वो स्टार्टिंग में करते हैं तो फाइनल में आपका पेपर रह जाता है, तो आपको जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस आते होते हैं, फिर भी आपके मिस हो जाते हैं। तो कोशिश करें पहले वो क्वेश्चंस करें जो कम टाइम ले रहे हैं, ताकि आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाए। अगर रह जाए तो भी 2-3 IQ वाले क्वेश्चन रह जाए, उनका कोई इशू नहीं होता इतना, लेकिन वो 2-3 जब आप IQ वाले क्वेश्चंस के इतना टाइम देते हैं, उतने टाइम में आप GK के कोई 20-30 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप 20-30 मार्क्स लें, ना के 2-3 मार्क्स, ठीक है ना, 2-3 मार्क्स के पीछे अपना आधा घंटा ज़ाया ना करें, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड होता है पेपर में, और अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है कि आप जिस टाइम तक करें। तो इसलिए ये बात माइंड में रखें, और एक तो आपका जो इंटरेस्टेड पोर्शन है पहले वो करें, और दूसरी बात जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो करें, फिर जिसमें धुक्का लगाना है फिर बाद में उस पे आएँ, फिर उन क्वेश्चन पे आएँ जिनमें आपको आइडिया ही नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर वो क्वेश्चन तो हर किसी अटेम्प्ट ना करें जिनको आपको आइडिया ही नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, तो फिर तो लाजमी है जिनमें आइडिया नहीं है वो भी अंदाज़ा लगा के आएँ कि इसमें बी होगा, डी होगा, ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का आइडिया नहीं होता। जैसे मैंने स्टूडेंट से बहुत बार अपने सेशंस में एक क्वेश्चन किया है कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान का हाईएस्ट डैम कौन सा है, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर तरबेला है। तरबेला भाईजान हाईएस्ट डैम नहीं है, लार्जेस्ट डैम है। जो हाईएस्ट डैम है वो मंगला डैम है। तो देखें, लार्जेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस होता है, और स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस करते नहीं है, एक ही चीज़ समझते हैं कि हाईएस्ट भी वो है तो लार्जेस्ट भी वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है वो कौन सी है, कुरैश है या बनु मखजूम है या बनु आदि है, कौन सी है, या ननादि से। तो स्टूडेंट बताते हैं कुरैश है। भाईजान मैंने फैमिली पूछा है, कुरैश ट्राइब है। तो देखिए, फैमिली और ट्राइब में डिफरेंस होता है। जब आप ये डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये अच्छा, ये चीज़ ये होती है। ये तभी पता चलता है जब आप किसी सीनियर टीचर से गाइडेंस लेते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप जो है वो मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ये जो भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगी। और जब भी मैं स्टूडेंट्स को अपने किसी भी सेशन में पढ़ाता हूँ, तो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि मैं स्टूडेंट्स को टॉपिक पढ़ाऊँ, जैसे पाकिस्तान की एयरलाइन कौन सी है, पाकिस्तान की के सॉरी दुनिया में जो कैपिटल करेंसीज हैं वो कौन सी हैं। ये तो स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ सकते हैं, जो टीचर्स ये पढ़ाते हैं पाकिस्तान सॉरी दुनिया की कैपिटल करेंसी याद करवाते हैं स्टूडेंट्स को, वो तो खुद भी याद कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ पढ़ाएं जिससे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, या मैं स्टूडेंट्स को बैठ के ये पढ़ाऊँ कि बाउंड्री लाइन्स याद कर लें, हिस्ट्री पढ़ा लूँ कि ये क्वेश्चन याद कर लें, वो तो स्टूडेंट खुद भी स्टडी कर सकते हैं इतने
रिसोर्सेज आ गए हैं, बुक्स स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन बात है स्टूडेंट्स को वो चीज़ बताना जिसमें स्टूडेंट्स के ग्रिप नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट पेपर में फेल हो रहे हैं, वो टेक्निक्स वो चीज़ें बताएं। मैं चेंज्ड जीके का भी फाइल बनाया है, वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो होपफुली ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा एंड इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।